हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने फाइनल मार्कशीट को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। फाइनल मार्कशीट को चेक करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात से परेशान है कि उनका रिजल्ट नहीं आया, या उनको मार्क्स कम मिले हैं, या उनको मार्क्स सही तरीके से नहीं मिले हैं, वो नॉट कम्प्लीटेड शो कर रहा है, उनको कम्प्लीटेड शो कर रहा है। सो देर आर लॉट ऑफ कन्फ्यूजन बिटवीन द स्टूडेंट्स, जिसको मैं दूर करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आप आपके मार्क्स आपका आपके मार्क्स कितने आए हैं। ठीक है, अगर आपका 40% मार्क्स आ जाता है विद कॉम्बिनेशन ऑफ असाइनमेंट्स एंड टर्म एंड थ्योरी, तो आप डेफिनेटली पास कर जाओगे। ठीक है, पहले तो दोनों में इंडिविजुअली 40% लाना इंपॉर्टेंट है, प्लस दोनों को मिला करके 40% से ज्यादा लाना आपको इंपॉर्टेंट है टू क्वालिफाई द एग्जाम। सो वेरी सिंपल प्रोसेस, बट उसके बारे में कभी और बात करेंगे। बट फिलहाल बात करने वाले हैं हम कि किस तरीके से आप अपना रिजल्ट को चेक करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा इशू पर मसला यही है अभी कि बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक अपना प्रॉपर रिजल्ट चेक नहीं कर पा रहे, मार्कशीट चेक नहीं कर पा रहे कि कैसे मार्कशीट चेक करना है। तो क्या सिंपल सा तरीका है, आपको अपने गूगल वाले टैब पर जाना है, सिंपली आपको टाइप करना है इग्नू ग्रेड कार्ड। इग्नू ग्रेड कार्ड आप टाइप करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जो वेब पेज मैंने खोल के रखा था वही वेब पेज खुल जाएगा। थोड़ा स्लो काम कर रहा है इसलिए मैंने पहले से वेब पेज खोल करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा वेब पेज है, इस तरीके से वेब पेज खुलेगा। अब यहाँ पे करना क्या क्या है, देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको चूज करना है कि आप अपना ग्रेड कार्ड जो है स्टेटस किस कोर्स के लिए लाइक कर रहे हैं। BCA MCA प्रोग्राम का नाम दिया हुआ, क्या आपको इन सब में से किसी का चेक करना है? BDP BA BCOM इन सब में से किसी का चेक करना है, या CBCS जो प्रोग्राम है इनका चेक करना है, या फिर अदर प्रोग्राम। तो मैं अभी मैं MCOM के बारे में बता रहा हूँ, BCOM का आपको लिखा हुआ है। सपोज आप MCOM के स्टूडेंट हो, राइट, तो MCOM के लिए आप अदर पे क्लिक करोगे, एनरोलमेंट नंबर आप अपना डालोगे, जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर है ये आपने डाल दिया। डालने के बाद आप यहाँ पे अपना कोर्स चूज करोगे, तो आपने यहाँ पे अपना MCOM डाल दिया। ठीक है, ऐसे स्क्रॉल डाउन करके भी कर सकते हैं, बट मैंने सिंपली यहाँ पे टाइप कर दिया। ठीक है ना, तो MCOM मेरा आ गया। अब मुझे यहाँ पे सर्च करना है, जैसे ही मैं सर्च करूंगा मेरा रिजल्ट आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, मैंने सर्च किया, मेरा रिजल्ट आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा आप पास हुए हो नहीं हुए हो, आपके मार्क्स कितने आए हैं, ज्यादा आए हैं कम आए हैं, सारी की सारी चीजें आपको यहाँ से पता चल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको समझने में। ठीक है, इन केस ऑफ स्टिल अगर आपके दिमाग में किसी भी तरह का डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप मी, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप बात कर सकते हैं। और हाँ, नोट्स रेडी है बीकॉम और एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए, खासकर एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए कम्प्लीटली रेडी है। MCO1 MCO फर्स्ट ईयर IBO1 से लेकर के IBO6 और सेकंड ईयर MCO1 से लेकर के MCO7 तक के सारे नोट्स रेडी हैं। अगर आपको चाहिए तो आप उनसे परचेस कर सकते हैं एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट। मैंने वीडियो भी बना करके रखा हुआ है, सिर्फ ₹200 पर पेपर के हिसाब से आप उसको ले सकते हो। अर्लियर ऑन इसका प्राइस 300 पर पेपर था, बट नाउ इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 200 रुपीज पर पेपर, बट इट इज ओनली फॉर द फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स हु विल बाय। पहले 50 स्टूडेंट्स के लिए, ये सभी के लिए नहीं है ऑप्शन ये, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको फटाफट ले लें अगर आपको उसके थ्रू स्टडी करनी है। अदरवाइज हमारा चैनल तो है, चैनल पे आकर के आप डेफिनेटली वीडियोस को वॉच करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय, थैंक यू।